नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मौसम की तरह बदलती रहती है। वो कांग्रेस पार्टी जो अडानी पर सवाल उठाती थी कि उनकी कंपनी में पैसा कहाँ से आया, आज वही कांग्रेस पार्टी अडानी से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपके लिए कर्नाटक में निवेश के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप आइए और निवेश करिए। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी बुरी मुसीबतों में फंस चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी जो कितने महीनों से, पिछले 6-7 महीनों से अडानी को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी जी को हमेशा घेर रही है। इसका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी तरीके से जनता के पैसों को अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसे पैसा दे दिया गलत तरीके से। जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और जनता के सामने इस मुद्दे को उठाते हैं, आज वही राहुल गांधी की नई नई सरकार बनी कर्नाटक में, कर्नाटक में उनके विकास मंत्री MB पाटिल का बयान आया है और कहा है कि गौतम अडानी के लिए कर्नाटक के दरवाजे निवेश के लिए हमेशा खुले हैं। और ये मामला उनका नहीं है, मामला है 2022 नवंबर का, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी। इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी ने वादा किया था 1 लाख करोड़ रुपए कर्नाटक में निवेश करने का, और वो कर भी रहे हैं। 3 सीमेंट प्लांट हैं, इसी के साथ साथ गौतम अडानी का जो बेंगलोर में एयरपोर्ट बन रहा है वो भी उन्हीं के जिम्मे में बन रहा है। इसी के साथ साथ कर्नाटक में वह निवेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को नहीं है। राजस्थान में वो निवेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को नहीं है। छत्तीसगढ़ में वो निवेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को नहीं है। और आज हाथ जोड़कर खुद बता रहे हैं उन्हें कि आपका दरवाजा खुला है कर्नाटक का आपके लिए, आप ये मत समझिएगा कि भाजपा गई तो आप निवेश नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जनता सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी की तरफ से जो फ्री की रेवड़ी का वादा किया गया था जनता के लिए, जो फ्री की बड़ी बड़ी फायदे सुविधाएं पहुंचाने की बात की गई थी, तो क्या बिना गौतम अडानी के निवेश के वो फ्री की रेवड़ियों का जो वादा है पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि अब वो राहुल गांधी कहाँ गए जो समय समय पर विदेशी धरती पर भी जाकर अडानी और मोदी के मुद्दों के बारे में सवाल उठाया करते थे, अडानी की कंपनी में जो पैसा है उसके बारे में सवाल उठाया करते थे, और आज वो गौतम अडानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए दरवाजे सदैव खुले हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के विकास मंत्री हैं MB पाटिल, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कि आइए और इन्वेस्ट करिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की गई है, जिस पिक्चर में नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं और ऊपर कैप्शन दिया गया है कि ये प्यारी तस्वीर तब खींची गई है जब कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही थी। यानी कि एक बार फिर से निशाना साधा है गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी झोली फैला के खड़ी है कि आप आइए और इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये सारी चीजें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं, क्या ये सारी चीजें किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रही हैं। क्योंकि यदि इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो तो गौतम अडानी वैसे भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था इन्वेस्टर समिट में। और फिलहाल नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के ऊपर जो भी सवाल उठाए गए थे उस पर भी तमाचा तब लगा जब LIC की नई रिपोर्ट सामने आई कि LIC ने किस तरीके से सभी रिकॉर्ड्स को पछाड़ दिया है और जो पैसे गौतम अडानी ने LIC में लगाए थे वो डबल ट्रिपल ट्रिपल होकर जनता के सामने आए हैं। लेकिन अब ऐसे में जनता ने बुरी तरीके से घेर लिया है कांग्रेस पार्टी को। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के समय में थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को पाखंडी कहा है और कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी जितनी पाखंडी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है, जो वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना ले तो ये तो फिर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ MB पाटिल का कहना है कि अंबानी, अडानी, मित्तल, जिंदल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजा हमेशा खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में। अब यहाँ पर ये सवाल मन में आता है कि या तो राहुल गांधी कुछ भी बिना प्लानिंग के बोलते नहीं है, उनकी सरकार की राय अलग होती है, उनके मंत्रियों की राय अलग होती है और राहुल गांधी हवा में तीर मारते हैं,
या फिर ये सारी चीजें प्री प्लान तरीके से अच्छी तरह सोच समझ कर की जा रही है, तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन इसी बीच तमाम तरीके के ट्विटर पर यूजर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी को इतनी जरूरत थी, जो जनता को किए गए फ्री के वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे गौतम अडानी के सहयोग के बिना, तो राहुल गांधी ने हवा में तीर क्यों मारे? राहुल गांधी ने आखिरकार क्यों इतनी सारी फ्री की रेवड़ियां बांटी? और वहीं कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, जहां जहां सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वहां वहां गौतम अडानी का निवेश जरूरी है और हमारे दरवाजे सदैव उनके लिए खुले हुए हैं। तो क्या ये दरवाजे तब बंद हो गए थे जब हिंडनबर्ग की एक झूठी रिपोर्ट पर, जिस पर कोर्ट ने भी कटाक्ष किया था और उसे रद्द कर दिया था, आप इतने उछले जा रहे थे और पूरा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर सवाल उठा रहा था? हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को इतना ज्यादा आपने सीरियस ले लिया कि आप ये भूल गए कि कर्नाटक में जो आपने फ्री के फायदे फेंके हैं जनता के आगे, वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी हेल्प ऑफ गौतम अडानी। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए थी, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे तमाम तरीके के बयान दे दिए। लेकिन अब जनता और भाजपा के निशाने पर बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आ चुकी है और सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के इस एक्शन पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।